सो फाइनली गाइज आज की वीडियो में इसके लिए बात करने वाला हूँ Vivo Y02 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें सिंपल मोड को सेटिंग को इनेबल कैसे करेंगे एंड इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस मोबाइल में सिंपल मोड को इनेबल करना एंड इसको यूज करना तो एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस सिंपल मोड को यूज करने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ मोबाइल के सेटिंग में। अब सेटिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा, थीम्स मिलेगा, वॉलपेपर मिलेगा, यूआई कलर भी आपको मिलता है और यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग्स भी मिलता है, होम सेटिंग्स मिलता है, सिंपल मोड मिलता है। तो हमें सिंपल मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी यहाँ पर पढ़ना भी चाहेंगे तो रीड करना चाहेंगे तो रीड कर सकते हैं। व्हेन सिंपल मोड इज ऑन, अगर जब अपने मोबाइल में सिंपल मोड को ऑन करते हैं दी होम स्क्रीन विल यूज ए सिंपल ले आउट, आपके मोबाइल का होम स्क्रीन जो होगा एकदम सिंपल ले आउट में शो होगा। एंड यहाँ पर लिखा हुआ एंड दी सिस्टम फॉन्ट साइज विल बी लार्जर, और इसमें आपके मोबाइल का जो सिस्टम का फॉन्ट होगा वो लार्ज हो जाएगा यानी कि बड़ा में होगा। तो अब इसको मैं चलिए इसको ऑन करके देख लेता हूँ कैसे मुझे दिखाई देता है। तो मैं यहां से इसको इनेबल कर लेता हूं। अब आप इनेबल करेंगे तो आपका मोबाइल जो है यहाँ पर लोडिंग होने लगेगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो सिंपल मोड में हो गया है। अब सिंपल मोड होने के बाद देख सकते हैं अब आपको जो भी एप्लीकेशन को यूज करना आपको यहाँ पर ऊपर के स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। अब इसे आपको यहाँ पर मैसेज करना तो मैसेज कर सकते हैं, आपको सेटिंग में जाना होगा या कैलेंडर को कैलकुलेटर को ऑन करना होगा तो कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर आपको ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको कैलेंडर को ऑन करना चाहेंगे तो कैलेंडर को भी ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसमें सिंपल मोड को इनेबल कर सकते हैं। और अच्छा था कि आप इसमें और भी चीज़ को ऐड करना और भी एप्लीकेशन को आपको ऐड वाले पर क्लिक कर देना है और इसमें आपको जो ऐड करना हो कर सकते हैं। तो मैं चलिए इसको ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट है फॉन्ट साइज है मैंने कहा था पर लार्ज हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते उसके लार्जर मतलब होता है बड़ा करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट जो इसका है ऑटोमेटिक वो बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने देख सकते हैं बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर ऐड हो गया है। और आप चाहते हैं कि इसमें सभी एप्लीकेशन को देखना, जितना भी आपके मोबाइल ऐप्स है ऑल ऐप्स को देखना तो ऑल ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ से सभी एप्लीकेशन को यहाँ से शो करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शो करा दिया है, फिर से बैक आ जाता हूँ। अब चाहते हैं कि सिंपल मोड से निकलना चाहेंगे तो सिंपल मोड में निकलने के लिए आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जिट सिंपल व्यू का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक कर देंगे तो आप सिंपल तरीके से इसमें सिंपल मोड से निकल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल मोड से मैं निकल चुका हूँ। तो इस तरीके से आप इसमें सिंपल मोड को यूज कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।